तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनील है सर। सुनील कहाँ के रहने वाले आप? मैं यहाँ बुआड़ा के पास पानिया गाँव सिंघाना कस्बे के पास। सिंघाना के पास, ठीक है जी। पेशेंट क्या लगते हैं आपके? पापा जी। क्या नाम उनका? सूरजवाल। क्या दिक्कत थी उनको सर? कैंसर थी, फोर्थ स्टेज में बताया था, लंग्स में। लंग्स में उनका। मेरे पास आने से पहले ट्रीटमेंट कहाँ चला था सर उनका? मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आपने 6 कीमो लगवा दिया थे उनको। हाँ जी। क्या कंडीशन थी उनकी, फिजिकली क्या कंडीशन थी मेरे पास जब आए थे? जब चारपाई पर रह गए थे, दो लोग पकड़ के लेके जाते थे वहाँ, दो लोग। हाँ, उनकी हालत ऐसी थी, उठा के ले जाना पड़ता था। हाँ, एक तरह से तो वहाँ से आपको निराशा हो गई थी कि अब पेशेंट हाँ, जाने वाला है। हाँ, हॉस्पिटल जब गए थे, जब क्या कंडीशन थी बॉडी की? जब तो सही था, जब सही था। हाँ, कीमो लगने के बाद आपके पेशेंट की हालत खराब होती चली गई। लास्ट कीमो में तो एकदम रह गए, लास्ट कीमो तो रह गए थे। और पूरा परिवार में एक तरह से ये बात आ गई होगी कि आप तो जाएंगे। उस हालत में मेरे पास पेशेंट आया था, मेरे पास दवाई ले जाने के बाद कितना आराम मिला आपको जी? अभी फुल आराम है, अभी तो खाना भी खाते हैं, नींद भी आती है, घूमने हाँ, भी जाते हैं 1-2 किलोमीटर। जिस हाँ, बंदे को उठाकर आपको ले जाना पड़ता था, हाँ, आज 2 किलोमीटर तक आराम से घूम रहे हैं। आपने बताया था जब मेरे पास आए थे, जब उनकी सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, ऑक्सीजन लगाया, ऑक्सीजन लगाया था, तो आपने शुरू में 20 दिन के अंदर मेरे को बताया था ये बातें कि सांस फूलना जो था वो ठीक हो गया। हाँ, वो भी ठीक है, चार पाई भी थे वो। आप बता रहे कि आप आराम से 2 किलोमीटर तक घूम रहे हैं। कमजोरी ज्यादा थी, अब सही है, अब सही है। खांसी बहुत ज्यादा आती थी, खांसी भी नहीं आती। खाने में जो तकलीफ होती थी, भूख नहीं लगती थी, अब खूब भूख लग रही है, अब भूख लग रही है, अब आराम से वो खा रहे हैं। चेस्ट पेन होता था बहुत ज्यादा? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। कफ चिपचिपा सा निकलता था उनका? अभी कुछ नहीं है सब, ये सारा ठीक हो गया है। कैंसर को लेकर बातें आती है तो जब पेशेंट की कंडीशन आती है लगता है कि अब तो जीवन समाप्त हो गया। आयुर्वेद को लेकर सबके मन में एक बात रहती है कि कैंसर को लेकर तो कभी नहीं हो सकता जी आयुर्वेद, ये थी। तो हमने तो 20 डेज की रिकवरी दी थी आपको जी, कि 20 दिन में आराम मिलेगा तो मैं आगे चलाऊंगा ये बोला था। शायद उस समय कंडीशन है, सब मिलने भी आने लगे होंगे। हाँ, सब मिलते मिलने आके, अब तो जाने वाले मिल लो, वही परिवार का विश्वास। अब क्या है जी? अब एकदम सही है। परिवार वाले को ऐसा लगता है कि हाँ अब कैंसर है क्या? अब लगता है उनको नहीं, कीमो से ब्लड या सब सूख जाता है। हाँ, ये आपने देखा था। हाँ, अभी 2 यूनिट चढ़वाई थी मैंने लास्ट वाले कीमो में। कि जब खून ही चढ़ाना पड़ रहा था, अब कीमो कहाँ लगेगी? हाँ, उस कंडीशन में पेशेंट मना कर दिया था उन्होंने कीमो के लिए, अभी बोले कीमो नहीं लगे, नहीं लगे, अब तो सेवा कर लो। हाँ, कैंसर से किसी की डेथ नहीं होती है, कैंसर के डर से और उसके ट्रीटमेंट से। पैसे कितने लगाए थे आपने? भैया तो आर्मी से कार्ड था इनका। अच्छा, तो फिर तो बचा हो गया आपका। अगर मान लो आर्मी से नहीं होता तो आज आपके भी प्राइवेट में जाते तो अच्छे पैसे ले लिए जाते, ठीक है। मेरे पास कई लोग आ रहे हैं, अभी भी एक पेशेंट आपके सामने बैठा था जो 70 लाख बता रहा था, 70 लाख लगाने के बाद उसकी हालत खराब थी। आयुर्वेद तो था, खांसी बुखार जुखाम में जाकर पेट में दर्द कहीं ले लिया, जड़ी बूटी ले लिया, इतना ही तक रह गया था। आज कैंसर को लेकर बता रहा हूँ कि आज पेशेंट खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। क्या मैंने पेशेंट की गारंटी ली थी आपकी? नहीं जी। कि मैं ठीक कर दूंगा, 20 दिन में ठीक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो ये बोला था 20 दिन में आराम मिलेगा तो आगे चलाऊंगा। आज आप जांच भी कराने जाते हो तो 15 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में रिपोर्टिंग आती है, ठीक है। एक बार आप बेटा आप उठ के आओ इधर। आपका नीचे जो पेशेंट कौन है? भैया सर। आपके भैया, उनके जीभ का प्रॉब्लम था ना, बहुत ज्यादा उसका जख्म था। अभी दोनों फोटो लगाऊंगा, पहले और बाद की। क्या कंडीशन थी आपके पेशेंट की जी? घाव मतलब थोड़ा सा था, उसमें धीरे धीरे बढ़ने लगा। हाँ, और बढ़ने लगा, बढ़ बढ़ के मतलब क्या बोले, गलने लगा, गलने लगा, पूरी जीभ गलने लगी उसकी। उसमें सूजन भी होने लगा। मेरे पास आप दवाई ली, आपके कितने दिन हो गए? अभी 19 दिन। क्या पेशेंट की कंडीशन अभी? अभी बहुत ज्यादा पहले से रिकवर हो गया। मेरे पास आने से पहले ट्रीटमेंट कहाँ चलवाया था आपने? हम लोग चाईबासा, यानी आप झारखंड से हो ना, वहाँ से चलाया था। एक ही बार कीमो किया था। क्या हालत हो गई थी? मतलब घाव जो था ना, हाँ, वो तो मतलब ऐसे ही बढ़ने लगा, घाव ऐसे ही बढ़ गया, मतलब उसमें सुधार नहीं दिखा। कीमो लगने के बाद शरीर की हालत कैसी हो गई थी उसकी? पूरा शरीर कमजोर हो गया था, पहले तो बहुत मोटा था, अभी पूरा दुबला पतला हो गया। ये कीमो की हालत बता रहे हैं, सिर्फ कीमो को लेकर है। और आज आपकी दोनों फोटो आपको दिखाए मैंने, पहले पुरानी और अभी। आप तो नहीं डर लगेगा सर कैंसर से? ठीक है, नमस्कार।